हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, अभी तक मैं दो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जो कि एक इंग्लिश सेक्शन पे मैंने बनाई थी कि आपको इंग्लिश सेक्शन को किस तरीके से टैकल करना है एंड क्वांट सेक्शन को किस तरीके से टैकल करना है। तो दोनों वीडियोस चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से एग्जाम के अंदर टैकल कर सकते हो, क्या क्या रीजनिंग सेक्शन के अंदर आपको टॉपिक्स मिलेंगे और किस तरीके से यहाँ पे 30+ आप मार्क्स लेके आओगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखना दोस्तों, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये सेक्शन ऐसा होता है जिसमें हर बच्चा 30+ 110% लेके आता है क्लर्क के अंदर, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है। तो वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, एंड तक देखना। अब देखो, सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो दोस्तों कि ये सेक्शन टफ आएगा। देखो, टफ नहीं आएगा, रीजनिंग सेक्शन सबसे आसान आएगा। तो ये सेक्शन बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, ये सेक्शन आता है इजी टू इजी में ही आएगा बस। मॉडरेट भी बहुत ही मुश्किल से आता है, इजी रहता है ये सेक्शन। अब इस सेक्शन के साथ फाइट लेनी बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है और मार्क्स हमारा यही सेक्शन स्कोर को जो हमारे इंप्रूव करता है दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्वांट में भी आप नहीं कर पाओगे इतना अगर इंग्लिश के अंदर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो वहां भी आप लैक करोगे कहीं ना कहीं। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आसानी से आपको 30+ मार्क्स देगा, क्योंकि यहां पर जो पजल आएंगे ना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगी वो बहुत आसान रहेंगी दोस्तों। तो सबसे पहले देखो आपको मिलेगा क्या, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये आपको मिलेंगे फोर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके अलावा फोर पजल जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर आपको देखो देखने को मिलेगा मिसलियस टॉपिक, लाइक सबसे पहले लेते हैं ब्लड रिलेशन। देन उसके बाद आपको डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक, अल्फाबेट टेस्ट भी आएगा, और अल्फाबेट टेस्ट एंड अल्फान्यूमेरिक, ये दोनों दोस्तों अलग अलग होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। तो आप अल्फान्यूमेरिक अल्फाबेट टेस्ट को बिल्कुल सेम समझ लेना। एंड देन उसके बाद आपको मिलेगी कोडिंग डिकोडिंग, प्रीलिम्स लेवल की कोडिंग डिकोडिंग जो होती है। फिर आपको दोस्तों एक दो क्वेश्चन मिलेंगे सिंगल लाइनर। देखो सिंगल लाइनर तो आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन सिंगल लाइनर जरूर रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब वेरी करेगा कि आपकी शिफ्ट में कौन कौन से मिसलेनियस टॉपिक आते हैं। देखो किसी के अंदर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, और एक और ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आएगा जरूर। ये मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे दोस्तों, तो इसमें से 4-5 टॉपिक आपको मिसलेनियस देखने को मिलेंगे, जिससे 3-3, 4-4 क्वेश्चन रहेगा हर शिफ्ट में। देखो इसमें से किसी में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलॉजिज्म दे देंगे, किसी के अंदर सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक दे देंगे। तो इस तरीके से शिफ्ट वाइज चलेगा, लेकिन जो हमारा जो हमें कंपलसरी मिल रहा है वो ये सेक्शन होता है। देखो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट सबको मिलेगा। अब ध्यान रखना आपको, देखो करना क्या है, आपको ये चीज करनी है कि सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि मैं इतने टॉपिक्स के अंदर से ना कोई मार्क्स अपना नहीं छोड़ू। ये सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, लाइक ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ब्लड रिलेशन देखो आपको करके आना 110%। ये आप इंश्योर कर लो कि ये मिसलेनियस टॉपिक के ये जो आएगा ना, ये 15 मार्क्स का आएगा। देखो 15 मार्क्स के आपको ये देखने को मिलेंगे यहां से क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स में आप इंश्योर करना कि आप 12 to 13 तक आराम से जाएं। तो 12 to 13 तक आप मार्क्स लेकर आए दोस्तों, क्योंकि ये वन लाइनर कहीं ना कहीं हम छोड़ के चलते हैं, तो वन लाइनर कोई सिंगल लाइनर जो होते हैं अब वो अटेम्प्ट नहीं करता है कोई भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग होते हैं, 1 से 1.5 मिनट लगा देते हैं और कॉपी पेन यूज करके उनको सॉल्व किया जाता है। तो देखो ये इंश्योर करो कि आप 12 से 13 मार्क्स यहां से बिल्कुल निकालो, 12 से 13 मार्क्स निकालने के बाद, और ये पजल 4 की 4 आप लगा के आओ। अब देखो कोई कहेगा कि पजल 4 की 4 नहीं लगा के आ सकते, बिल्कुल लगा के आ सकते हो, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों बहुत आसान आएंगी, ये ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आएंगी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखो सबसे पहले इन सेक्शन की बात कर लेते हैं। मान लो आपको ब्लड रिलेशन मिला, डायरेक्शन डिस्टेंस मिला, सिलॉजिज्म मिला, इनइक्वालिटी मिला, तो एंश्योर करो कि आप 6 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 6 मिनट बस,
सिक्स मिनट के अंदर ये निपटा दो। अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी और ये बिल्कुल आपको करेक्ट करके आने हैं, इसके अंदर कभी भी गलती मत करना दोस्तों। मिसलिनियस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी भी हमने रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना होता है, उन्हें बिल्कुल करेक्ट मार के आने हैं ये, क्योंकि बहुत आसान होते हैं यार। इनइक्वालिटी आ गई, पांच क्वेश्चन आ गए तो वो हद से हद 40 सेकंड के होते हैं पांच क्वेश्चन, क्योंकि मॉक टेस्ट वाले नहीं आएंगे जिसमें तीन तीन स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो वो नहीं आते हैं, सिर्फ दो स्टेटमेंट वाले आते हैं और बहुत आसान आसान से होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, तो मुश्किल से 40 सेकंड के अंदर हो जाएंगे पांचों क्वेश्चन। सिलॉजिज्म भी ऐसे होते हैं, तीन स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन वाले सिलॉजिज्म आपको वहां पे देखने मिलेंगे, तीन या थ्री कॉन्क्लूजन मिल जाएगा, बस सच्चाई बनना नहीं मिलेगा। तो इन क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं घबराना है, ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे हैं कि बिल्कुल छह मिनट में आपके 12 से 13 मार्क्स पक्के कराएंगे। और सबसे पहले दोस्तों मॉक टेस्ट में यही अटेम्प्ट किया करो और पेपर में भी यही अटेम्प्ट करना, क्योंकि जब आप 12 से 13 मार्क्स अपने पक्के कर लोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना इतने ही टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करना है आपको। अगर आप यहाँ से 10 मिनट लेगा ना इन क्वेश्चन पर, तो आप 10 मिनट के अंदर कभी भी चार पजल नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा लास्ट की पजल बनाने में, तो आप वहां पर गलती कर सकते हो। तो मैं जो देखो टाइम देता हूँ ना, वो सिक्स मिनट देता हूँ सिर्फ इनको, मिसलिनियस क्वेश्चन को, और 6 मिनट ही देके चलना है। अल्फा न्यूमेरिक आ गई तो हद से हद 1 मिनट की होती है अल्फा न्यूमेरिक, लिखकर सॉल्व नहीं करनी होती है। अल्फाबेट टेस्ट भी ऐसी होता है, 1 से 1.5 मिनट का होता है बस। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको अच्छे से सॉल्व करनी आती है वो भी 1 मिनट की होती है, 1 से 1.5 मिनट की, विद क्वेश्चन अटेम्प्टिंग बता रहा हूं मैं दोस्तों ये, कि आप सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दोगे तो 1 से 1.5 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं पांच नंबर यहां से लेने में। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आप 12 से 13 मार्क्स मिसलिनियस क्वेश्चन से निकालो, फिर आपको आना है पजल पर। अब देखो हमेशा मैं कहता हूँ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से सेट करके दी जाती है दोस्तों, याद रखना ये चीज, बहुत ऑर्डर में सेट करके देता है एग्जामिनर। देखो आपको इसके अंदर से दो सेटिंग अरेंजमेंट मिलने के बिल्कुल चांसेस है, दो तो देखो सेटिंग अरेंजमेंट मिलेंगी और दो पजल मिलेंगी। अब पजल किसी भी तरीके की आ सकती है, सीटिंग अरेंजमेंट कोई सी भी, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल कोई सी भी आ सकती है। तो इसके अंदर आपको देखो आपको क्या करना है, जस्ट ये चीज पहचान कर रही है कि कौन सी पजल और कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट आसान आई है। देखो आएंगे तो चारों ही आसान, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आएंगी, बस 4 से 5 लाइन की सीटिंग अरेंजमेंट आएगी, बहुत आसान आती है दोस्तों। मैंने जब लास्ट ईयर वाला एग्जाम दिया था SBI क्लर्क का, वो मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था SBI क्लर्क का, तो मेरे एग्जाम में मैं बता रहा हूं लीनियर पजल आई थी और वो 3 लाइनों की लीनियर पजल थी, सिर्फ 3 लाइन की। ये होता है बस क्लर्क एग्जाम के अंदर। अगर आपको अच्छे से सॉल्व करनी आती है तो ज्यादा भारी क्वेश्चंस कुछ होते नहीं है इसके अंदर। तो देखो इसको पता भी आप 1 से 2 मिनट में बना लोगे 3 लाइन की पजल, पढ़ने के साथ साथ अगर जिस बच्चे की भी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो 2 मिनट में बना लेगा बस। फिर आप देखो कहीं ना कहीं आपको पजल फंसाएगी, पजल में अगर उसने दे दी आपको, मान लीजिए आपको उसने दे दिया फ्लोर बेस्ड पजल दे दी उसने, तो फ्लोर बेस्ड में क्या कर लेता है वो आपको फंसा सकता है। और मान लीजिए उसने क्या कहते हैं बॉक्स बेस्ड दे दिया, फ्लोर बेस्ड दोनों एक सी होती हैं, वो एक ही तरीके से सॉल्व होती है, और आपको मंथ बेस्ड दे दी तो मंथ बेस्ड में काफी फंसा लेते हैं। तो पजल के अंदर देखो फंसाना बहुत ज्यादा वो करता है कि हाँ पजल को मैं आपको फंसाएगा। तो पजल में आपने चॉइस अच्छे से करनी है, आपकी अगर फ्लोर स्ट्रांग है तो फ्लोर आपको करना है, और आपकी अगर कोई और सी पजल स्ट्रांग है देन वो आपको करना है। और सीटिंग अरेंजमेंट पे तो सबसे पहले अटेम्प्ट करना, आप सीटिंग अरेंजमेंट दोनों निपटा देना, दो सीटिंग अरेंजमेंट आपको जरूर मिलेंगे तो दोनों को ही निपटा देना, लीनियर हो चाहे कोई सा भी हो, तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान आएगा दोस्तों। और देखो डबल वेरिएबल पजल, यानी बच्चे सोच रहे होंगे कि डबल वेरिएबल आएगी या नहीं, तो डबल वेरिएबल के मिलने के चांसेस देखो दोस्तों बहुत कम होते हैं, मैं आपको बताऊं बहुत ही कम होते हैं। अगर मिली तो सिर्फ आपको एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगी डबल वेरिएबल, वो भी बहुत आसान सी होगी, लाइक आपको कलर बेस्ड कोई पजल दे देगा, फ्लोर पे पर्सन बैठे हैं और उनके पास और वो ये कलर लाइक करते हैं इस तरीके से दे देगा बस, तो आपको वो मैक्सिमम सिर्फ एक ही मिलेगी डबल वेरिएबल पजल। तो बिल्कुल मत घबराना, सिंगल वेरिएबल पजल रहेंगी सारी, और ओवरऑल सेक्शन का यही रहने वाला है। और देखो आपको एक चीज से बच के चलना है, ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में कहीं ना कहीं वो फंसाता है, आपका ब्लड रिलेशन स्ट्रांग है ना तो ब्लड रिलेशन में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, और वरना अगर ब्लड रिलेशन में आप कहीं फंसे, उनने कुछ ज्यादा ही घुमा फिरा के दे दिया, तो ब्लड रिलेशन को फटाफट छोड़ देना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि ब्लड रिलेशन में बिल्कुल 110% फंसाता है वो, और ये चीज मैं काफी एनालाइज कर चुका हूँ एग्जाम देकर। और फिर देखो आप अगर किसी पजल के अंदर फंसते हो तो आपको ये एंश्योर करना है कि पजल के अंदर अगर आप एक बार फंस गए तो उस पजल से मूव कर जाओ प्लीज, यही करना। अगर आप मूव नहीं करें ना तो आप अपना बहुत टाइम बर्बाद कर दोगे, फिर आप कहोगे कि बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं रीजनिंग के अंदर। अगर आप एक पजल के अंदर फंस गए, 2 से 2.5 मिनट अपना वेस्ट कर चुके हो और आप उसका आंसर नहीं निकला और वो पजल नहीं बनी, तो फटाफट उसको कट करो और आगे जाके स्किप कर लो, किसी और पजल पर आ जाओ या सेटिंग अरेंजमेंट पर आ जाओ, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं, आपको नंबर्स निकालने हैं 110% वहां से अपने।
अटकने। तो ये चीज इंश्योर करते हुए आपको चलनी है कि आपको बिल्कुल अटकना नहीं है, अगर आप अटकते हो तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। और मिसलिनियस क्वेश्चंस की तो गारंटी है कि आप किसी में नहीं फंसोगे, अगर आपने मिसलिनियस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया तब, वरना आप यहाँ पर भी फंस जाओगे। तो मिसलिनियस क्वेश्चन बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से 12 से 13 मार्क्स देके जाते हैं, और आपको दोस्तों ये मार्क्स तो निकालने ही निकालने। आप किसी भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से अगर 20 के 20 मार्क्स निकालते हो देन वेल एंड गुड, पर अगर यहाँ पर 18 से 19 या 17 से मार्क्स निकालते हो आप, तो फिर भी आपका काम बन जाएगा, आप 30 प्लस आराम से चले जाओगे। और देखो अगर आपसे मान लीजिए दो ही पजल बची हैं और आपको लग रहा है कि अब मैं पजल बनाने का टाइम नहीं है, लास्ट में आपके पास 2 मिनट बचे, देखो मान लो आपने 6 मिनट मिसलिनियस क्वेश्चन को दिए और उसके बाद आप पजल पर गए, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करी आपने, तो लास्ट में पजल आप अटेम्प्ट करते हुए लास्ट वाली पजल के लिए ना, जो लास्ट वाली पजल या सिटिंग अरेंजमेंट थी उसके लिए आपके पास जस्ट 1 से 1.5 मिनट है या 2 मिनट है, सही है। तो उसमें ये चीज इंश्योर करना, अगर पजल वो आसान है और छोटी सी है तब तो उसे बनाना, या आपकी पजल बहुत स्ट्रांग है तब, वरना उस 1-2 मिनट को भी ना मिसलिनियस क्वेश्चन के अंदर लगा देना दोस्तों। जैसे सिंगल लाइनर आया हो तो उसमें वो अटेम्प्ट कर लेना, या कोई ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन जो हो रहा हो उस टाइम फ्रेम के अंदर तो वो कर लेना, इस तरीके से करना। वरना ये मत करना कि अगर आपकी एक पजल बची है तो आप उस पजल को अटेम्प्ट करो, वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा और वो होगी भी नहीं लास्ट में, क्योंकि अगर होगी तो उसके क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाओगे। तो ये चीज बहुत होती है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना होगा। तो ओवरऑल देखो मैंने बता दिया आपको कि ओवरऑल यही इस सेक्शन का रहने वाला है। तो बिल्कुल यही सिनेरियो रहेगा जब आप पेपर देने जाओगे, जिनका भी 10 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर है ना, वो आकर जरूर बताना मुझे कि देखना इस टॉपिक पजल कितनी आई है, सिटिंग अरेंजमेंट कितनी आई है, और इन मिसलिनियस टॉपिक्स के अंदर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही सब रहने वाला है बस, और इस सेक्शन से बिल्कुल डरना नहीं है, 30+ इस सेक्शन में जाना ही है दोस्तों, क्योंकि तभी आप कट ऑफ तक पहुंच पाओगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, मैं भी यहाँ पर कोशिश करता हूँ, वैसे तो मेरा क्वांट स्ट्रांग है बट मैं कोशिश करता हूँ कि 30+ मैं भी जाऊं यहाँ पर, और 30+ मैं गया हूँ काफी एग्जाम के अंदर, क्लर्क के अंदर। तो बहुत आसान ये सेक्शन रहता है, इस सेक्शन से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं रखनी अपने आप को। तो आपको मैंने बता दिया ये सारी चीजें जो है ना, आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सेक्शन को इस तरीके से लेके चलना है, तभी आप अपने इतने मार्क्स इंश्योर कर पाओगे, लाइक 30+ और 30 अबव या अप टू 30 तक जा पाओगे। तो यही ये वीडियो थी दोस्तों, वीडियो को जरूर देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।